नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न थे उसका वीडियो आपको बना के हम दे चुके हैं। आज है अभ्यास प्रश्नावली का जो पैटर्न चैप्टर है, जो चैप्टर का नंबर है 18, उसका जो है अभ्यास प्रश्नावली। देखिए पहला प्रश्न है। अब भैया पहला प्रश्न है, ये कहता है, जानते हो क्या कहता है ये बाबू? कहता है कि 6 प्लस 16 बराबर आपकी बुक में दे रखा है 42 है, और 19 और 9 28 है, 12 और 22 34 है, तो अगला पद बताना है। तो भैया अगला पद बताना है, अगला पद क्या होगा ये पूछ रहा है। जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितना सही कर लिया है। बताओ भैया कितना सही कर लिया है, हमें तो बनाना ही है। देखिए देखिए देखिए, 6 3 9 9 3 12 और 12 3 क्या होगा भैया? 12 3 क्या होगा? 15। अगला आएगा ये कौन सा आएगा? 15। 16 3 19 19 3 22 22 और 3 कितना होगा? 25। इनका भी योग कर लीजिए, 5 5 10, 1 और 2 कितने होते हैं? 3 और 1 4 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 4 कितना हो जाएगा? 40। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये दे रखा है इस प्रकार से प्रश्न में, और एक्स वाई जेड पी क्यू का मान बताना है। देखिए अगर हमें एक लाइन पूरी मिल जाती तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि जो योग है इसका, योग दे रखा है 27। क्या दे रखा है? 27। तो देखिए पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर इनको और इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 27। तो 12 और प्लस 10 बराबर और प्लस एक्स बराबर 27। तो एक्स बराबर 27 माइनस ये कितना होगा? 22। कितना होगा? 22। तो एक्स बराबर कितना है भैया? 5। एक्स का मान हमने नोट कर लिया 5, ठीक है 5 नोट कर लिया। अब देखो ये हम कर सकते हैं, 13 प्लस 9 ये नहीं करना है, ये तो हो जाएगा ना, इससे तो वो निकलेगा नहीं। अब इसको निकाल सकते हैं, किसको? ये वाला। देखिए यहां पर देखिए ये निकल चुका है। अब क्या करना है, अगर बाबू एक बात बताओ, अगर हम 5 ये निकल गया है x का, अब देखिए क्या करेंगे, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो p का मान निकल आएगा। तो 10 प्लस 9 और p बराबर 27। तो p बराबर 27 माइनस 19, तो p बराबर कितना होगा? 8। तो ये कितना भैया आ गया? p का मान 8। अब देखिए q का मान निकाल सकते हैं, q प्लस 13 और प्लस 8 बराबर 27। तो q बराबर 27 माइनस 13 और 8, 8 3 11 और 2 21, 13 8 कितने होते हैं? 21। तो q बराबर कितना बचेगा? 6। तो भैया q का मान आ गया 6। अब देखिए z का मान निकाल सकते हैं, तो z प्लस 6 प्लस 10 बराबर 27। तो z बराबर 27 माइनस 16, तो z बराबर कितना बचेगा? यहाँ पर एक बचा ये और एक बचा ये, कितना गया भैया? 11। अब 11 आ गया। अब y का भी मान निकाल सकते हैं, तो y प्लस 9 प्लस 11 बराबर 27। तो y बराबर 27 माइनस 11 में कितना होता है? 20। तो y बराबर कितना होगा यहाँ पर? 7। अब जिसके मान निकल आए बाबू हैं उसके मान रखते हैं। x का मान कितना आया भैया? है 5। कितना आया है? 5। और बाबू बताइए y का मान निकला है कहीं पर? y का मान निकला है 7। और z का मान निकला है 11। और p का मान कहां निकला है भैया? 8। और q का मान कहां निकला है? 6। क्यों का मान कहां निकला है? 6। तो 5 7 11 8 6,
पांच सात ग्यारह आठ छह ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर तीन देखिए, देखिए पचम पच्चीस, पचम पच्चीस एक जोड़ दिया कितना होगा छब्बीस, इसमें भी हमने एक जोड़ दिया कितना हुआ सत्ताईस, सात सती उनचास एक जोड़ा कितना हुआ पचास और एक इसमें जोड़ा कितना हुआ इक्यावन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा पैटर्न चलेगा, तो यहां पर कितना होगा भैया नौ गुणे नौ, तो नौ नौ इक्यासी एक बयासी और बयासी एक तिरासी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बताओ भैया, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर चार देखिए, एक्स वाई जेड के मान बताना है, इसमें भी योग दे रखा है इक्कीस, योग कितना दे रखा है इक्कीस, तो भैया इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स प्लस दस और प्लस आठ बराबर इक्कीस, एक्स बराबर इक्कीस माइनस अठारह, एक्स बराबर कितना होगा तीन, एक्स बराबर तीन, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी तीन आएगी, एक्स का मान हो गया तीन। अब सात प्लस नौ बराबर वाई बराबर कितना होगा इक्कीस, तो वाई बराबर इक्कीस माइनस नौ सात सोलह, तो वाई बराबर कितना बचेगा यहाँ पर ग्यारह से छह जाएंगे तो पांच, पांच ठीक है, तो यहाँ पर हुआ मान कितना भैया यहाँ पर देखिए कितना हुआ पांच। अब जेड प्लस ग्यारह और प्लस चार बराबर इक्कीस, तो जेड बराबर इक्कीस, ग्यारह चार कितने होते हैं पंद्रह, तो जेड बराबर कितना बचा है यहाँ पर छह, तो इसका जो मान आया तीन पांच छह, तो एक्स का हुआ तीन और वाई का हुआ पांच और जेड का हुआ छह, तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर पांच देखिए, बारह और पंद्रह कितने होते हैं सत्ताईस, तो एक सौ तीन और सतहत्तर कितने होंगे भैया, तो सात तीन दस और एक आठ एक सौ अस्सी, क्या होगा एक सौ अस्सी, देखिए इनका और इनका योग है, तो भैया इसका और इसका योग करोगे कितना होगा एक सौ अस्सी होगा, तो भैया ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा जरा बताइए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा पांच में होगा आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर छह में देखिए, प्रश्न नंबर छह देखिए, अगला पद बताना है आपको यहां पर कौन सा पद आएगा, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ एक जुड़ गया ठीक है एक जुड़ गया, अब ऊपर देखिए इसमें भी एक क्या हुआ जुड़ा, फिर भैया एक बात बताओ इसमें भी तो एक जुड़ा प्लस का हुआ, अब देखो इसमें भी क्या हुआ एक जुड़ेगा, इसमें भी एक जुड़ेगा, इस प्रकार से एक जुड़ा ना एक जुड़ा ठीक है, अब देखिए इसमें जाके इसमें एक जुड़ा प्लस वन हुआ, फिर भैया यहां से ऊपर की तरफ एक जुड़ा प्लस वन हो गया, अब जो है इसमें भी एक जुड़ा प्लस वन हो गया, अब इससे अगर एक जुड़ेगा तो यहां कितना होगा यहां पर छह होगा, क्या होगा छह होगा, यही पूछ रहा था भैया छह होगा। प्रश्न नंबर छह में देखिए कौन सा बता रहा है छह होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर सात देखिए, बताओ प्रश्न नंबर सात में अगला कौन सा पद होगा, देखिए ए का क्यूब करोगे एक होगा, ये किसका क्यूब भैया है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर है जरा बताए, देखिए समझिए एक का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर है सात दो नौ का स्क्वायर, फिर ग्यारह का स्क्वायर ठीक है, अब तेरह का स्क्वायर होगा, तो तेरह का स्क्वायर क्या होता है भैया एक सौ उनहत्तर, क्या होता है एक सौ उनहत्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर आठ देखिए, अगला पद बताना है कौन सा भैया अगला पद, अब देखिए समय न लेते हुए देखिए, अगर हम दसमा तीन का पहाड़ा करते हैं तो दस तीन तीस
ठीक है, 10 3 30। अब 30 में जो है 3 का फिर पहाड़ा लगा देते हैं तो 90। अच्छा 90 में फिर 3 का पहाड़ा लगाएंगे तो 9 3 27 और ये 0। अब अच्छा 270 में अगर हम 3 का पहाड़ा फिर लगा देते हैं, 3 0 0 3 7 21 और 3 2 6 2 8। अगर फिर इसमें हम 3 का पहाड़ा लगा देते बाबू भाई, 3 0 0 3 3 3 8 24। अब एक बात बताओ, पहले आपका प्लस का है फिर माइनस का है, ठीक है, फिर क्या है, पहले देखिए जो 10 है आपके 10 जो है, देखिए इधर समझिए, आपके 10 का है क्या, प्लस के हैं फिर माइनस के हैं, फिर प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का, अब की बार क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस माइनस 24 30, माइनस 24 30, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका भैया बताओ, 8 नंबर का कौन सा सही होगा, माइनस 24 30 24 30 ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में बताइए अगला पद कौन सा होगा, अगला पद कौन सा होगा भैया, देखिए किसका पहाड़ा चल रहा है यहाँ पर, कौन सा होगा बताओ भैया, 11 25 55 11 6 66 तो यहाँ पर कितना होगा 44। सब में जो है 11 11 जोड़ते जाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 44, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए भैया 1 8 27 64 125 अगला पद बताना है कौन सा होगा, देखिए देखिए समझिए बात को, देखिए ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब करिए, फिर 2 का क्यूब है ये, फिर 3 का ये क्यूब है, फिर ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, अगला 6 का क्यूब क्या होगा 216, क्या होगा 216, 6 का क्यूब होता है 216, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बताओ बाबू, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बताओ भैया अगला पद कौन सा होगा, बताओ भैया अगला पद कौन सा होगा, देखिए अगला पद बताते हैं कैसे होगा, देखिए 12 गुणे 1 तो 12 एकम 12, ठीक है 12 गुणे 3 12 3 36 12 गुणे 5 = 12 5 60 तो 12 गुणे 5 फिर 2 मिलाएंगे इसमें 12 7 84 फिर 12 गुणे 9 12 9 108। अब बताओ 12 गुणे 11 तो 12 करना 12 2 और 12 करना 12 और 12 1 13 12 करना 12 2 और 12 करना 12 1 13 तो अगला होगा आपका 132, क्या होगा 132, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भैया बताइए अगला कौन सा पद होगा, अगला कौन सा पद होगा बताओ, देखिए इसमें जुड़ा है आपका कौन सा +1, फिर देखिए इसमें कितना जुड़ा है +2, फिर क्या जुड़ेगा आपका +3, अब की बार जुड़ेगा क्या भैया +4, अब की बार क्या जुड़ेगा +5, 21 और 5 कितने होते हैं 26, क्या होता है 26, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 में बताइए भैया अगला पद कौन सा होगा, वीडियो रोक लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, आपने कितने सही कर दिए, हम तो बनाएंगे, देखिए यहां से देखिए ये वाला क्या करेंगे, इसको देखिए इसको क्या करना है, हमने 10 से गुणा किया, 10 से 30 गुणे 10 तो हो गया आपका ये 300, फिर हमने इसको क्या किया 10 गुणे 10 गुणे 10 100 हो गया, फिर हमने जो है इसको भी गुणा किया कितने से 300 से, हमने 10 से गुणा कर दिया, ठीक ये हो गया। अब देखिए हमने इसको भी वही प्रक्रिया की जो है 100 को 10 से गुणा किया 1000 हो गया, अब की बार देखिए फिर वही प्रक्रिया होगी भैया 3000 को 10 से गुणा करना है तो यहाँ पर क्या होगा 3 और 4 यानी 30000 होगा, क्या होगा
30,000 होगा। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अगला पद बताइए। अगला पद देखिए, इसमें कितना भैया प्लस हुआ है 5, और इसमें कितना प्लस हुआ है 7, और इसमें कितना प्लस हुआ है 9, और इसमें कितना भैया प्लस हुआ है बताओ ना, इसमें कितना प्लस हुआ है 11, क्या हुआ है 11, और इसमें कितना प्लस होगा 13, कितना होगा 13, 37 13 कितना होता है 50, कितना होता है भैया 50, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, बताओ अगला कौन सा पद होगा, अगला पद कौन सा होगा? देखिए 96 2 92 होते हैं, यहीं से पकड़ लीजिए, 96 2 कितना होता है 92 होते हैं, फिर 92 2 384 होते हैं, 384 2 786 होते हैं, करके देख लीजिए, तो भैया 48 2 तो हमें 796 होते हैं, तो यहाँ पर कौन संख्या आएगी 48 आएगी। दोस्तों ये आपकी जो प्रश्नावली अभ्यास की ये समाप्त हो चुकी है, अगली आपकी होगी प्रयास कीजिए, वीडियो को अगर शेयर करते रहेंगे तो एक एक चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, और हाँ आपके जो है प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर जरूरत है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।